और व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। अभी एनर्जी मुझ में आ गई है, मेरे तो 5,000 करोड़ फिक्स है। ओवर टू यू सर, जोरदार थाली ऑडियंस। थैंक यू। इसको जोरदार ताली बोलते बॉम्बे में? बिल्कुल नहीं बोलते सर, और अब तो खाना भी खिला लिया फिर भी तालियां नहीं आई। कम ऑन ऑडियंस, है ना पॉजिटिव और बहुत ज्यादा एनर्जी को ना पॉजिटिव और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भी होती है। सो अंटिल अनलेस यू डोंट ट्राई एंड मैच हिज एनर्जी इज नॉट गोना स्टार्ट। सो ट्राई वंस अगेन। यस, लाउडर लाउडर लाउडर, हियर इट गो लाउडर। सुपर सर, वो थक गए, आप भी थकेंगे, प्लीज स्टार्ट। ऑलराइट, सो ताली बजाने कितने फायदे होते हैं? तीन सबको मालूम है ना। पहला फायदा 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट, चश्मा उसमें उतर सकता है, सब कुछ सेहत बढ़िया हो सकती है। दूसरा फायदा रूम में एनर्जी। तीसरा फायदा स्पीकर को मोटिवेशन। चौथा फायदा दुखी आदमी ताली बजा नहीं सकता। किसी को देखा है रोते हुए? Nobody can do that. So you got to be happy. Give yourself a big one now. छोटा एनर्जी लेके आते रूम में। आप में से कितने लोग अपने कंपटीटर से आगे होना चाहते हैं? रेज योर हैंड। उसके लिए कंपटीटर से एनर्जी हाई करनी पड़ेगी। यस यस, ऑलराइट। सो यू विल सक्सीड इन लाइफ मोर देन योर कंपटीटर्स इफ योर एनर्जी इज हायर देन योर कंपटीटर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? यस सर। गिव अ हाई फाइव टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, से आई हैव अ हाई एनर्जी। फैंटास्टिक, थैंक यू। तो थैंक यू डॉक्टर परमार, Avni and Ashok, your team for organizing this event. ये आसान काम नहीं है जो इन्होंने किया। I know the struggle, I know the hustle you go through organizing event like this. Establishing your business, I was hearing Prashant, he said मुझे काम शुरू किया तो गाड़ी बेचनी पड़ी, उसके बाद मकान बेचना पड़ा। That's what you said. I want everyone to salute him and give him a big round of applause. That is the journey of an SME. That's the journey of any startup or an entrepreneur. आपने शुरू में मकान बेचा, मेरे पास कुछ था नहीं, सब कुछ बनाया फिर बेचा, पर बिका मेरा भी, पर ऊपर से गिरने में चोट ज्यादा लगती है ना। Alright, so how many of you would like to scale up your business to 1,000 crore plus? Raise your hand. कई लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, शायद उनका ऑलरेडी 1,000 करोड़ से ज्यादा है, so उनको उनके लिए भी मेरा सल्यूट। एंटरप्रेन्योर की जब जर्नी शुरू होती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वहां से जब काम चालू होता है और एसएमई ही बन के समाप्त हो जाता है। बहुत से स्टार्टअप दुनिया में, ये बेटा कैसे चलता है, हाउ डू यू आई या, तो 11,000 स्टार्टअप हर एक घंटे में दुनिया में बनते हैं। कितने फॉर द नंबर? 11,000 every hour. And how many of them are able to scale up? 10 million जो 80-85 करोड़ रुपए होता है, उससे कितने लोग ज्यादा पहुंच सकते हैं? Only 3%. और उसमें से 76% are solopreneur. अभी बात हो रही थी कि जो स्टार्टअप होते हैं उनको पहले हायर करना चाहिए, जरूरी है, सबको करना चाहिए, लेकिन जब पैसे नहीं हो तो क्या करोगे? मैं ही मैनेजर, मैं ही ऑनर, मैं ही चपरासी, मैं ही सब कुछ होता है। वी ऑल गो थ्रू दैट जर्नी, एवरी एंटरप्रेन्योर गो थ्रू दैट जर्नी। क्या अंबानी का बेटा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन जो रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ है, जिसके पास ना एजुकेशन है, ना मेंटर है, ना कैपिटल है, ना इकोसिस्टम है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल फोन है, स्कूटर में 8 साल लगते थे, टेलीफोन में 10 साल लगते थे उस जमाने में, और आज भी इकोसिस्टम है लेकिन धक्के फिर भी खाने पड़ते बराबर। यस यस, वो क्या करे? तो उसको क्या कर रहा है? सब कुछ खुद ही कर रहा है, लेकिन हायरिंग करनी है। व्हेन यू आर एबल टू हायर, व्हेन यू मेक मनी और यू गेट सम फंड, आपको कोई फंड मिल जाए, कहीं से सपोर्ट मिल जाए, एंजल इन्वेस्टिंग मिल जाए, सीड फंडिंग मिल जाए, फिर हायर कर लो। पर तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनेगा ना, उसमें एक ही वर्ड होगा, सीईओ फाउंडर मी, सीईओ मी, मार्केटिंग मी, सेल्स मी, सीएफओ मी, और जब जब रिप्लेस करते जाओ, वहां अपना नाम हटाते जाओ, दूसरे रखते जाओ।
पर तब तक खुद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो 11,000 स्टार्टअप और 3% सिर्फ 10 मिलियन के ऊपर पहुंच पाते हैं। दस दर इज ओनली 3%। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया का 2021 में $97 trillion, यस बिग टी, और 10 साल पहले सिर्फ 34 था। तो धंधा दुनिया में हो रहा है दोस्तों। अगर आपके मिलियन और बिलियन नहीं बन रहे तो कसूर किसका? बिजनेस हो रहा है एंड देयर इज नो बैड बिजनेस इन द वर्ल्ड। ये जब ऑटोमोबाइल आया था तो बोले घोड़े बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, और जो भी घोड़े का धंधा करता है वो बाहर हो जाएगा। लेकिन पिछले साल में $300 billion का धंधा हुआ है जो घोड़ों के लिए चीजें देते हैं। नाउ द थिंग इज चेंज, घोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से बिकम के रईसों के अस्तबल का वो हो गया, हॉर्स रेस पे चला गया, वो एक अलग शौक हो गया। वो धंधा है तो पिवट करना पड़ता है, कुछ तो कुछ नया रूप ले लेता है बिजनेस। लेकिन बिजनेस इज ऑल्सो, देयर इज नो बैड इंडस्ट्री, देयर इज ओनली बैड लीडरशिप। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? सो देयर इज ओनली बैड लीडरशिप। थोड़ा बहुत एक डेढ़ मिनट इन्होंने बताया, पर अपने बारे में बता दूं, आपका परमिशन हो तो। यस, खाली एक हाथ उठा परमिशन नहीं है। देखो मेरे साथ यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाई एनर्जी में रहना सीख, कंपटीशन से आगे रहना है पहली बात। दूसरी बात, मेरे जैसा लठ जवान रहना है। 65 की उम्र है, 0 बीमारी पे हूं, और मेरे को प्रैक्टिस है 3 दिन बोलने का। ये लोग अभी आए थे दिल्ली में, मैं 12-12 घंटा 3 दिन बोला था। क्यों मनी बोला था? तो ये बोले आधे घंटे में बोलना है। अभी आधे घंटे में तो मैं थोड़ा क्या बोलते रहो गर्म होता थोड़ा सा। तो जब तक स्टार्ट होएगा इंजन तब तक बोलेंगे खत्म हो गया तेरा काम। तो एनीवे, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज देयर इज नो सिंगल विन इन द वर्ल्ड। यस, हम तभी जीत सकते हैं जब हमारे साथ लोग जीते हैं। एवरीबॉडी अराउंड यू, लेस ब्राउन का बहुत बढ़िया कोट है, उसको थोड़ा सा मैंने इंप्रूव किया है, नीचे एक लाइन अपनी लगाई है। क्योंकि हम अकेले नहीं जीत सकते, हमारी टीम हैज टू विन, अवर फैमिली, अवर नेबर्स, अवर फ्रेंड्स एंड अवर वेंडर्स, अवर टीम एंड अवर सप्लायर्स एंड अवर कस्टमर। शोले पिक्चर तभी बनती है जब नीचे से ऊपर तक सब फर्स्ट क्लास हो, डायलॉग भी बढ़िया हो, स्क्रिप्ट भी बढ़िया हो, एक्टर भी बढ़िया हो, सिनेमाटोग्राफी भी बढ़िया, लोकेशन हो, मार्केटिंग हो, ऐसा ही धंधे में भी कुछ फर्क नहीं है। इट हैज टू बी ए राउंड व्हील, एवरीथिंग हैज टू वर्क परफेक्टली टू मेक इट ए यूनिकॉर्न और अ बिलियन डॉलर बिजनेस। सो दिस इज मी बॉर्न इन ए, ऑलराइट, सो सेलिब्रेटिंग 44th एनिवर्सरी ऑफ माय 20th बर्थडे, आई स्टॉप एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 20। उसके बाद में एनिवर्सरी मना रहा हूं हर साल, अभी जनवरी 22 को 45th हो जाएगी ये। और उसका रीजन है कि ये जो चश्मा कुछ अलग दिख रहा है लोगों को, कुछ अलग दिख रहा है ना फेस पे, ये बहुत स्पेशल चश्मा है। इस चश्मे को बोलते हैं ऑसमनेस का जब, व्हाट द वर्ड? ऑसमनेस। सब लोग ऐसे करो, आई एम वियरिंग द ऑसमनेस ग्लासेस, से आई एम वियरिंग द ऑसमनेस ग्लासेस। होता क्या है, व्हेन यू सी, व्हेन यू आर वियरिंग अ ब्लू कलर ग्लास, हाउ द वर्ल्ड लुक टू यू? ब्लू। तो हर एक की लाइफ में अपनी रियलिटी है, अपना मीनिंग है। कोरोना वायरस हुआ, पहली बार हमने अपनी जिंदगी में, मैंने भी 65 साल में और आप लोगों ने भी, एक ऐसी चीज देखी जो सबको परेशान की। यस, पूरी दुनिया में एक साथ, लेकिन सबका मीनिंग अलग था। कोई लॉकडाउन में घर बैठा दारू पी रहा है, कुछ करने को आया नहीं है, वेट बढ़ा रहा है, बीवी से लड़ रहा है, यार इतना करीब तो हम कभी हुए नहीं सुबह से शाम तक। सम पीपल लाइक मी वर वर्किंग ऑन देयर हेल्थ, वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट। आई डेवलप 30 courses इन लॉकडाउन, हाउ मेनी? 30 courses आई डेवलप इन लॉकडाउन कंटिन्यूअसली 365 days आई वर्क टिल 2 AM। Negotiation mastery, sales, time management, everything I did. And I went to the best coaches in the world also to learn. Unse bhi main seekhne ke liye, kyunki sir kahan gaye bole, jitna personal development mein kharcha karoge, life ke waise tarakki karoge. How many of you agree with that? Direct proportion hai. See, learning or earning. L hata do to kya hai? Earning. To jab tak learning nahi hai, earning nahi hai. Hogi nahi, kabhi bhi. So every day you have to learn. And this is where I wear awesomeness glasses, because you attract awesome people in your life. Like today, I have attracted you in my life. Give yourself a huge round of applause. And after you could attract, kya? Awesomeness.
सब कोच भी है ट्रैक्टर टूडे, कुछ ना कुछ आया ऐसा सीख के जाओगे जो आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू आर ईगर टू लर्न? तो बॉर्ड इन रेफ्यूजी कैंप उल्लासनगर से एक ही भाई साहब है हमारे यहाँ, थोड़ा दो जने हैं, दो भाई है यहाँ पर, ये मेरे जन्म स्थान से है। दिस इज हाउ माई पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान 1947। दिस इज हाउ कल्याण कैंप, उन्होंने कल्याण बोलते थे उल्लासनगर को, कल्याण कैंप बोलते थे। कैंप नंबर 4, दिस वॉज काइंड ऑफ स्कूल आई वेंट टू, नो इंग्लिश, डंडे खा खा के, मार खा खा के, कुटाई खा खा के बड़े हुए। हाउ मेनी ऑफ यू बीटन बाय योर टीचर्स? सो ऐसे ही मार भी पड़ती थी हमें, और एक टीचर ने तो बोल दिया, तेरे से गधा, तेरे से उल्लू, तेरे से बेवकूफ बच्चा आज तक मेरी क्लास में नहीं आया, यू आर द डंबेस्ट स्टूडेंट आई है। अब कोई कोई बात यहां लग जाती है और छोटी उम्र में लग गई यहां, मगर इस टीचर को तो मैं किसी दिन दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और आज वो जिंदा नहीं है टीचर, नहीं तो मैं उसको ये गिफ्ट देता अपनी किताब कि मैडम ये डम स्टूडेंट है, 7 किताबें लिख चुका है। क्योंकि जिंदगी की बड़ी लर्निंग्स ऑलवेज कम रैप्ड इन द सैंड पेपर, एक बात का कागज होता है। तो जिंदगी ऐसे ही है, सीखना वहीं से होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इधर यू सक्सीड और यू लर्न, देयर इज नो फेलियर। या जिंदगी में कामयाबी है या लर्निंग है, हर एक इवेंट, हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। एवरी डे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तजुर्बा, हमारा तजुर्बा लिखा है तो जब कुछ नहीं होता, कहते भगवान जब देखने की शक्ति ढूंढ लेता है तो सूंघने की बढ़ा देता है। यस, कुछ ना कुछ बढ़ा देता, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मेरे में मेहनत बढ़ी आ गई, मैं आज तक भी करता हूं, मैं मेहनत से डरता नहीं। तो इतनी मेहनत की, जब कुछ भी नहीं था, देन आई गॉट मैरिड टू अ वंडरफुल वुमन उमा, शी इज नॉट हियर, मैरिड फॉर 40 ईयर्स, दोनों ने बहुत मेहनत की टिका के, और वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर आउट ऑफ इंडिया, एंड वी डिसाइडेड टू गेट लिस्टेड इन 1995, एंड आवर आईपीओ वेंट ओवर 300 टाइम्स, दैट टाइम वी मेड हेडलाइंस इन इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनबीसी टीवी होता नहीं था सिर्फ अखबार थे, कैपिटल मार्केट दलाल स्ट्रीट। सो दैट फ्रॉम द रिफ्यूजी कैंप। और जब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। पहले साल 8 लाख, मैं स्केल अप क्यों सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है और जीरो से किया है, सोलो पर्नर से किया है, खुद ही का चपरासी होके, खुद ही का मैनेजर होके वहां से किया है। बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर विद ऑफिसेस इन यूरोप, ऑफिसेस इन अमेरिका। जिन लोगों की मुझे इंग्लिश से डर लगता था उनको भी नौकरी पे रखा मैंने, जिससे अमेरिकन इंग्लिश समझ ही नहीं आती थी, तो इंग्लिश मूवीज देखता था समझने के लिए, यार इनसे धंधा करना कुछ सीख तो लूं, ऊपर से हिंदी मीडियम और भी कॉम्प्लेक्स। तो पहला साल 8 लाख, दूसरा साल 80 लाख, तीसरा साल 8 करोड़, उसके बाद 30 करोड़ आईपीओ, एंड फॉलोड बाय सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट बाय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ विज्ञान भवन। यू कैन सी मिस्टर चिदंबरम वाज द कॉमर्स मिनिस्टर दैट टाइम। दिस इज द लास्ट ईयर अवार्ड, देन आई डिड अ गैलप सर्टिफिकेशन, क्योंकि अगर कोच करना है तो सीखना पड़ेगा फिर पर्सनल डेवलपमेंट। आई वेंट टू गैलप, डिड द गैलप सर्टिफिकेशन, देन आई डिड लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन, ओकेआर सर्टिफिकेशन, देन आई डन 3 TED Talks, उसके बाद मैंने कहा जरूरत नहीं। और आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ए ट्रस्ट हियर इन रजौरी गार्डन, वी हैव ए हॉस्पिटल, 40-bedded हॉस्पिटल, सो एनीबॉडी फ्रॉम दिल्ली, यू नीड एनी हेल्प देयर, आई एम द प्रेसिडेंट देयर। दिस इज माय वंडरफुल फैमिली, या दिस इज माय वाइफ उमा, माय टू सन्स एंड डॉटर इन लॉ, वेरी वेरी हैप्पी फैमिली। सो आई वेंट टू द स्कूल ऑफ लाइफ। मैं ना IIT हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना IIM हूँ, लेकिन उनको पढ़ाता हूँ आजकल। सो दैट्स बिकॉज आई वेंट टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दैट इज स्कूल ऑफ लाइफ। So you are going to get lot of aha moments today. मेरी वर्कशॉप में आहा आहा करना बहुत जरूरी होता है। आहा आहा आहा, everybody stand up, let's practice. क्या जिंदगी में आहा मोमेंट, कुछ अच्छा नहीं गुजरे तब भी आहा आहा कर रहे हैं, कुछ बढ़िया गुजरे तो भी आहा आहा कर रहे हैं, कुछ आपकी तारीफ कर दे तो आहा आहा, कोई बुराई कर दे तो भी आहा आहा। But life is always about aha aha, and this aha is where you are today. This aha is for your 5,000 crore. Yes. So, thank you, thank you. Inspire 1 crore startups and MSMEs. This is the mission before I go from this planet Earth, के 1 crore लोगों को स्किल करके जाना है कि कैसे धंधा चलाओ और कैसे धंधा बड़ा करो। दो अलग अलग चीजें हैं, एक शुरू करना, फिर चलाना और बड़ा करना।
ये तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया विद सक्सेस एंड फेलियर। लाइफ इज नॉट, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी लेकिन 2001 में बहुत बड़ा फेलियर है, वी एंडेड अप लूजिंग 22 करोड़। उस जमाने के 22 करोड़ गए, अपना बंगला भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, बैंक को भी चुका दिया, लोगों को भी चुका दिया, लेकिन लंदन नहीं भागया। तो भैया ये जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग इज ऑलवेज बेटर देन फर्स्ट इनिंग। यस, बिकॉज नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम विजडम एंड एक्सपीरियंस, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम तजुर्बा। दैट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। ऐसे ही हमारा तजुर्बा शुरू हुआ, ऐसे ही लोग जुड़ते चले गए। आज बॉम्बे में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 12 तारीख को, बहुत से लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे, एंड दीज ऑल द पीपल वी मेट इन लॉकडाउन। जूम पे मिले, दे वर डूइंग माय सेल्स ट्रेनिंग। मैंने कहा बॉम्बे में शुरू करना है, कौन तैयार है? पराग भाई, ललित भाई, प्रज्ञेश भाई और बकुल भाई, बोले हम करते हैं। एंड दिस इज हाउ तजुर्बा स्टार्टेड। 2 साल रिलेशनशिप, सब कुछ बन गया, यहाँ चैप्टर्स बन गए, हम मिले नहीं थे अभी। सो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर कैन हसल। मैं दिल्ली में चैप्टर शुरू कर रहा था, पश्चिम बिहार में, मैं फेसबुक पे अनाउंस किया वेस्ट दिल्ली शुरू कर रहे हैं, आ जाओ, मैं कॉफी शॉप में मिलूंगा, हैव ब्रेकफास्ट विद मी। पहले बार कोई नहीं आया, दूसरे हफ्ते एक बंदा आया, कहता मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं, पर ऐसे तो चैप्टर नहीं बनता भाई साहब। मैं कहता हूँ अभी मेरे साथ बैठ जा, पैसे बनते, नाश्ता खिलाऊंगा, 4 हफ्ते बाद देखेगा या लाइन लगी। 4 हफ्ते के बाद हमारे पास 20 मेंबर हो गए चैप्टर का। तो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट। हम लोगों को, वी आर सेल्फ मोटिवेटेड, हमको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए होता। यस, हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड है क्योंकि क्या, दिन कभी हमारे हिसाब से नहीं गुजरता। एक बात याद रखना, बहुत बड़ा लेसन देगा, कभी भी सुबह सोचो कि आज दिन वैसा होगा, आपके हाथ पे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कहीं पे कोई चीज, कोई खबर ऐसी आ सकती है, आपका दिन तबाह। हमारे एक मेंबर थे, उनके यहाँ 4 बजे दूसरे मेंबर स्पीच देने के लिए गए, 100 करोड़ का काम था, 4 बजे से 7:30 के बीच में आग लग गई, उसके डैडी मर गए, दूसरा मेंबर मर गया, वो जेल चले गए, गला 3 घंटे मेरा दिन बर्बाद। तो हाउ डू यू विन विद दीस सिचुएशंस इन लाइफ? दैट वे यू हैव टू ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम। व्हाट द वर्ड? ग्रो बिगर देन। पेज पे 2 लाइनें मारो, एक छोटी लाइन प्रॉब्लम, एक बड़ी लाइन मैं, कौन बड़ा हुआ अभी? You become bigger than your problem. Edmund Hillary 13 times failed climbing Mount Everest. And he said, Mount Everest, you cannot grow taller than 29,000 feet. As a human, I can. Everybody repeat after me. I am bigger than my problems. I am bigger than my problems. Because journey bahut kathin hai. एंटरप्रेन्योर की जर्नी में तकलीफें ही तकलीफें हैं, फेलियर्स आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन एवरी टाइम व्हेन यू बिकम बिगर देन योर प्रॉब्लम, योर रेजिलियंस मसल ग्रो। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, डोले बनते जाते, सेम वे व्हेन यू कीप ऑन फेसिंग प्रॉब्लम, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रेस बिकम्स योर फ्रेंड, द प्रॉब्लम बिकम्स योर फ्रेंड। एवरी टाइम ए प्रॉब्लम कमी से इसको भी देख लेंगे यार, इतनी बड़ी बड़ी देख लिए तो बहुत छोटी है। अब तो वाकई कोई प्रॉब्लम आती, चेहरे में स्माइल आ जाती, इसको भी देख लेंगे। सोनिया बैठी है यहाँ पे, हमारा बहुत बढ़िया धंधा चल रहा था लॉकडाउन में, सडनली 18 सितंबर 2021 में मेरा फेसबुक अकाउंट है, चलता हुआ बिजनेस ठप, यही लोग हैंडल कर रहे थे। फिर भी मैं सोचा ठीक है, अभी गूगल पे करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, कुछ और करेंगे, 1 साल लगा वापस बिल्टअप कर रहे हो, ठीक है। दैट्स ऑल्सो लर्निंग, के एक अकाउंट पे डिपेंड नहीं रहना, बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में, एवरीथिंग गिव्स यू सम लर्निंग। सो दिस इज द मिशन, और 100 आईपीओ मैंने अजय ठाकुर को प्रॉमिस किया उस दिन कि 100 आईपीओ अपने को लाने हैं, यूनिकॉर्न बनाने हैं तजुर्बा। हाउ मेनी वुड बी इंटरेस्टेड? यस, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। दिस इज द स्केल अप थिंग, यू स्टार्ट अप, यू ग्रो अप, यू स्केल अप, एंड देन यू डोमिनेट योर इंडस्ट्री। अनलेस यू डोमिनेट योर इंडस्ट्री, यू आर जस्ट अनदर बिजनेस। फिर आप सिर्फ कमोडिटाइज हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे ही बात होगी, एंड योर कस्टमर्स विल डोमिनेट यू इन प्राइस टर्म्स, इन पेमेंट टर्म्स एंड एवरीथिंग। सो यू हैव टू क्रिएट योर डिफरेंशिएटर, देन यू डोमिनेट। दैट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन एंड फोकस। आज डॉक्टर प्रमाण रात को मुझे मिले थे,
इन्होंने टाइम दिया कि 9:30 बजे आप पहुंच जाइएगा। आई टोल्ड उषा कहाँ है, सॉरी है, इसको मैं बोला तू 8 बजे आ जाना, नाश्ता करेंगे साथ में, 8:30 आऊंगी मैं, ठीक। 8:30 पे इसका मैसेज आता 9:05, मैंने कहा डन विद ब्रेकफास्ट, नीचे वेट कर रहा हूँ, टैक्सी में सीधा चलेंगे, रास्ते में केले खरीद लेना, बिकॉज़ आई कैन नेवर बी लेट। तो थी बहुत का मतलब बनाना जाए नया टाइम 9:30, सिर्फ होस्ट टीम थी और हम लोग दो थे और कोई नहीं था। तो योर डिसिप्लिन एंड फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम। आई एम नेवर लेट, नेवर एब्सेंट, आई एम प्राउडली से दैट। अनलेस सम इमरजेंसी हैपन, कोई उल्टा सीधा हो जाए, तब तक मैं लेट नहीं हूं। तो द फ्रेमवर्क फॉर स्केलिंग अप, आपको 80% अपना टाइम रिड्यूस करना है, मैनेज करने का। विद 20% यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, बिकॉज 80% सारी हम वेस्टफुल एक्टिविटीज करते हैं। दो वर्ड है, IPAs एंड IRA, रिमेंबर एवरीवन, रिपीट आफ्टर मी, IPAs एंड IRA। व्हाट इज IPA? IPA इज इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, IRA इज इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटीज। आप एक हफ्ते का अपना बैलेंस शीट निकालिए कि मैंने कितनी एक्टिविटीज में इनकम रिड्यूस की, कितनी एक्टिविटीज में इनकम बढ़ाने की, यू विल बी शॉक्ड योरसेल्फ हाउ मच टाइम यू वेस्ट इन वेस्टफुल एक्टिविटीज। इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला टाइम मैनेजमेंट का है नहीं। IPA एंड IRA अपना कर लो, यू विल बी एबल टू डू वेल। एंड डेलीगेट व्हाट मेक्स यू टायर्ड, व्हेन यू वांट टू डेलीगेट, व्हेन यू हैव अ टीम। आप जब जिंदगी में जो भी चीज आपको बोर करे, जो भी चीज आपको तकलीफ दे, दैट यू हैव टू डेलीगेट, व्हाट एवर यू एंजॉय एंड गिव यू एनर्जी, कीप डूइंग इट। बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेलीगेशन, एंड यू हैव टू वर्क ऑन 2x कैश फ्लो, 3x प्रॉफिट एंड 10x वैल्यूएशन। दैट्स द रियल 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 स्केलिंग अप फॉर्मूला आई हैव लर्न फ्रॉम माय कोच, हिज नेम इज वॉरेन हार्निस। He is the world's top coach, created hundreds of billion dollars. I took his coaching to learn all this. So core value and purpose of the company, जैसे बोल रहे थे, why clear तो how or what आराम से आ जाएगा। You have to be very very clear. जैसे I am clear कि मुझे OKR techniques को use करके 1 करोड़ लोगों को skill देनी है, and then 100 लोग को IPO level। तजुर्बा, हमारा तजुर्बा का पर्पज है एक्सटेंडेड फैमिली। यू हैव टू फाइंड योर वर्ल्ड, वहीं से सारा कुछ शुरू होता है। गूगल क्या करता है, व्हाट द वर्ड गूगल ओन, सर्च, दैट्स वेयर द याहू डिफॉल्टेड, याहू कुड ओन दैट वर्ल्ड। सो यू हैव टू ओन द वर्ल्ड इन योर इंडस्ट्री। मैडम कहां गई हमारी बिंदु खुराना, क्वीन ऑफ नंबर्स, चली गई, ओके, हाँ, शी इज देयर, यस। सो यू गॉट टू ओन दैट, किंग ऑफ OKR, किंग ऑफ दिस, क्वीन ऑफ नंबर्स, देन ओनली विल मेक अ डिफरेंस। इट डजंट मैटर यू आर ए लोकल रेस्टोरेंट समवेयर इन कोलाबा, बट यू गॉट टू बी द बेस्ट। कोई पूछे कोलाबा का बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है, जब तक वो आवाज नहीं आया, गूगल पे सर्च पे नहीं आओ, ऑफकोर्स एसई और PR से वो मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन लोग बोले जब आपके, दैट्स वेयर यू आर एबल टू, एंड द अलाइनमेंट ऑफ द टीम, व्हेन एवरीबॉडी इज रोइंग द बोट इन द सेम डायरेक्शन एंड एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। जब तक वन टीम वन ड्रीम अपने यहां नहीं बनेगा, काम नहीं होने वाला। योर टीम हैज टू बी टोटली अलाइन। और बहुत बड़ा फास्ट गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल किसने नहीं तो सुने, सबने स्मार्ट गोल सुने, टाइम चला गया, स्मार्ट ओवर, गेम ओवर, अभी फास्ट गोल है। फ्रीक्वेंटली डिस्कस एम्बिशियस स्पेसिफिक एंड दिस इज हाउ यू सेट गोल्स नाउ, एंड उसके लिए हमारे पास टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी, वी यूज OKR। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट OKR, फ्यू पीपल। OKR is objective key results practiced by Andy Grove. When he started Intel, he had a tough competition from Motorola. So management by objective 1950 में Peter Drucker ने किया था, उसको उसने improve किया और OKR का नाम दिया उसको। वहां पे John Doerr ने सीखा, he was a trainee at that time, management trainee with him. And then he became 1999 में investor with Google and he presented OKR to Larry Page and Sergey Brin. They loved it. 2013 तक साइलेंटली चलता रहा, दुनिया को पता नहीं था गूगल OKR कर रहा है। 2013 में पहला वीडियो आया, टेक टॉक आया था जॉन डोर का, तब दुनिया को पता लगा OKR क्या है।
उसके बाद से एवरी बिग कंपनी, अब दुनिया में उबर ले लो, वॉलमार्ट ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो अपने यहां, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, दे ऑल प्रैक्टिस ओके। बहुत सिंपल है, पर दुनिया में चीजें तो सिंपल ही होती है। यहां कितने लोगों को पता है वेट लॉस कैसे करना है? कितने लोग को पता है? तो कहो ईमानदारी से, सबको पता है, मुंह पे ताला लगा दो वेट लॉस हो जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। 1000 कैलोरी से कम का खाना खाओ, वेट लॉस हो जाएगा। वॉक नहीं भी करो तब भी हो जाएगा। घर बैठे मैंने लॉकडाउन में घर बैठे 20 किलो उड़ा दिया था, यही इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये कर रहे। लेकिन करते कितने लोग? तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट एग्जीक्यूशन इज द की। OKR एग्जीक्यूशन सिखाता है। एवरी वीक टीम्स आर अलाइन। आई हैव टर्न्ड अराउंड कंपनी, सिक कंपनीज लाइक बड़े बड़े बिल्डर दिल्ली के, गुड़गांव के, बैंगलोर के, दे डूइंग OKR विद मी एंड दे गॉट टर्न अराउंड विद इन 90 डे। ये 90 दिन का फार्मूला है। होता क्या, हम लोग साल के गोल सेट करते हैं। अपने भी अभी 1 जनवरी को लिखा होगा डायरी में, स्मोकिंग छोड़ूंगा, वेट घटाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, सबने लिखा होगा तुरंत तुरंत। रात को 12 बजे, 1 बजे पीपल कैन कॉल मी। आई एम ऑलवेज रीचेबल टू माय स्टूडेंट एंड माय मेंबर्स। बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए, एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक। व्हाट इज योर ब्रांड प्रॉमिस? बिकॉज ब्रांड गिव्स यू प्राइसिंग पावर। यस और यस? यस। रेवन का सर बता रहे थे आप 1200% मार्जिन है। इनका मैं सेशन सुन रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग ऑन 12। ब्रांड गिव्स यू प्राइसिंग पावर, अदरवाइज यू आर कमोडिटाइज्ड बिजनेस, देन यू कांट चार्ज। सो वन वर्ड, गूगल ओन सर्च, इवन इफ यू आर लोकल बी द बेस्ट। ये कंपनी ने पानी में विटामिन डाल दिया, इनहेंस वाटर। कोक ने इसको 4 बिलियन का खरीद। So what you can do with your product or service, that one thing. क्या तड़का लगा सकते हो, सोचना आजकल। तो ये 4 पिलर है, योर टीम, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन एंड कैश फ्लो। तो चारों चैलेंज हमारे सामने हर रोज आते हैं। आपको एक सिलेक्ट करना है कि किस पे आपको काम करना है। If we talk about people, उसपे culture eats strategy for breakfast. How many of you heard this quote? If you don't develop the culture, you have to grow your people. Right butts in the right set. उस सीट के ऊपर सही आदमी जब तक नहीं बैठा है तब तक काम नहीं होगा। और उसके 3 टेस्ट हैं। Fits the culture, need not to be managed. जिस आदमी को आपको फॉलो अप करना पड़े उसे कभी सर्विस प्रोवाइडर से भी काम मत करना जिंदगी में, जिसको फोन करके बाबा पूछना पड़े इसका क्या हुआ। दे लीड अवे योर एनर्जी। तो सेम वे पीपल, हूएवर यू हायर एंड डेलीगेट, दे शुड बी सेल्फ मैनेज। सामने से आगे आपको कहें वाओ, ये आपका काम बढ़िया कर, ये आपके लिए मैंने कर दिया। दैट इज हाउ यू शुड बी हायरिंग पीपल एंड एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हों? यस, ड्रीम पूरे कौन करेगा? टीम। टीम आप अकेले नहीं कर पाओगे, टीम से होगी। यस, टीम का ड्रीम कौन करेगा? आज तक किसी ने नहीं सोचा। नोबडी थिंक्स अबाउट दैट। इसका PF काट ले, इसका ESI काट ले, बोनस कम दे दे, सैलरी कम बढ़ा। लाला बिजनेसमैन ऐसे सोचता। You to work on your employee team, they'll fulfill your dreams. और वो आपके कस्टमर्स के भी ड्रीम पूरे करते हैं। एक कंपनी का केस स्टडी है एप्पल ट्री करके। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से पूछा, ये सर्वे फॉर्म भरो, आपके क्या ड्रीम्स है। किसी ने लिखा मैं अपनी बेटी को डिज्नीलैंड नहीं ले पाया, किसी ने लिखा ये हनीमून मनाना था हम नहीं मना पाए, 10 साल हो गए शादी को। सबके 100 लोगों के ड्रीम उन्होंने पूरे किए इन द डीप रिसेशन, एंड दैट कंपनी बिकेम मोर प्रॉफिटेबल देन एप्पल। बजा लेता लिया दिल कर। व्हेन यू फुलफिल योर एम्प्लॉयज ड्रीम, यू विल फुलफिल योर, कीप दैट इन माइंड। ये हालत है। 7000 से ज्यादा किताबें लिख दी गई हैं उसके ऊपर, और पिछले 4 दशक से एम्प्लॉय एंगेजमेंट इससे आगे नहीं बढ़ी। 29% सिर्फ इंगेज है, 52% नॉट इंगेज, 19% दूसरी तरफ नावत कर रहे, उल्टे चल रहे हैं। आप इस तरफ कर रहे हो, पीछे खींच रहे हैं आपको।
क्योंकि प्रॉब्लम यही है, इंप्लॉइज के ड्रीम का कोई ऑनर ने नहीं सोचा। सो टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, नोइंग योर कोर कस्टमर, डेवलपिंग क्लियर ब्रांड प्रॉमिस एंड डेवलपिंग योर BHAG। व्हाट इज BHAG? बिग हेयरी ऑडिशियस गोल्स, BHAGs और भाग बोलते हैं इनको, वो फुलफिल करने के लिए और रेवेन्यू, सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ। तो आर यू इजी टू डू बिजनेस विद? ये आपने ध्यान करना है, एवरीबॉडी मेक ए नोट, मेरे को टाइम बताते रहना आपने। Somebody has to tell you. पांच मिनट ज्यादा लूंगा। तो आप के साथ बिजनेस करना आसान है कि नहीं है? यू हैव टू फिगर आउट दैट। आर यू मेकिंग समवन एल्सेस लाइफ इजी? जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू लव यू। एंड कस्टमर्स आर नॉट लॉजिकल, दे आर साइकोलॉजिकल। आपसे पूछ रहा हूं, कस्टमर्स आर नॉट लॉजिकल, दे आर साइकोलॉजिकल। एक कंपनी का मेन्यू, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, बहुत काम आएगी लाइफ में। सबसे SMEs क्या करते हैं, सस्ती आइटम पहले लिखेंगे। तो उसने लिखा वाइन $7.99, $8.99, $10.99, $2.99। उसको बोला गया इसको उल्टा कर दे, बाकी सब कुछ सेम है, $2.99 ऊपर कर दिया, 26% रेवेन्यू बढ़ गया। और उसके बाद एक $2,000 की और वाइन इंट्रोड्यूस कर दी, और महंगी ऊपर लिख दे, 200% रेवेन्यू बढ़ गया। साइकोलॉजिकल, ताली बजा सकते हो यार, बजाओ, सुन के बजाओ, आज कैश लेके जाना है यहाँ पे। तो एग्जीक्यूशन पे आए तो अक्सर कंप्लेसेंट हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर। हमारे पास भी जब बहुत पैसा आया था, 11 गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, ऑफिस आ गया, हम भी 12 बजे उठने लग गए, आराम से अभी सेठ जी जाएंगे यार, एंजॉय कर रहे हैं ना, कर रहे। उसके बाद वाट लगनी थी, वो लगी। यू डोंट हैव टू बिकम कॉम्प्लेसेंट, एंड आर यू प्लेइंग नॉट टू लूज माइंडसेट? ये सब लोग याद रखते। वर्ल्ड कप में 80% टीम्स आती हैं जो डिफेंस पे खेलती हैं, जितनी वही हैं जो फॉरवर्ड फुट पे खेलती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? सो दिस इज अबाउट माइंडसेट। फास्ट ग्रोथ सक्स कैश। आपके पास में कितने टाइम में पैसा घूम के वापस आता है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके शुरू करने से लेके, दैट्स योर कैश फ्लो। सेल्स ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, कैश फ्लो नहीं है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, क्योंकि पैसे आए ही नहीं देने के लिए। बिल आ गए लेकिन पैसे नहीं आए, तो यू टू वर्क ऑन योर कैश फ्लो। फंडिंग की अगर बात करें, ये बाप बेटा है, दे आर द बीकीपर्स इन ऑस्ट्रेलिया। जब कोई रास्ता नहीं होता, एंटरप्रेन्योर हसल करता है। लोगों ने क्या किया, इंडीगोगो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर एडवांस सेल्स बुक की इन्होंने, एक छोटी सी मशीन बनाई थी बाप ने, जिससे ऑटोमेटिक टैप से हनी निकलता है। उसके ऊपर पोस्ट किया, दो दिन में $10 मिलियन, $85 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। मार्केटिंग का खर्चा कितना आया होगा? जीरो। क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, हासिल किया, इन्फ्लुएंसर्स से बात करी जो ऑर्गेनिक चीजों में बिलीव करते थे, उनसे वीडियो बोले लगाओ हमारे बारे में बोलो, पहुंचे जगह जगह लोगों के पास, जैसे अपने डॉक्टर परमार पहुंचे सबके पास, हमारे पास भी पहुंचे। माय डे कॉस्ट इज 3 लाख रुपीज एज ऑफ टुडे। अभी मैं बहुत नया इन्फ्लुएंसर हूं, 3 लाख रुपए मेरा कॉस्ट है। ट्रेंड आदि है एनीथिंग, सो दे रीच आउट कि सर हमारे पास आओ, हमारा इवेंट है चल रहा है, तो दे रीच आउट। उसके बाद तो CNN और सब शुरू हो गए। जब पता लगा $1 घंटे में $70,000 आए, $2 घंटे में $1 मिलियन आए, फिर $2 मिलियन आए, 2 दिन में $10 मिलियन आ गए, द स्टोरी वेंट वायरल। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग डिफरेंटली। लास्ट लेसन ऑफ टुडे, जो भी आप कर रहे हो कुछ अलग से कीजिए, कुछ भी। हायरिंग कर रहे हैं, प्राइसिंग कर रहे हैं, डिजाइन है, एवरीथिंग डिफरेंटली, अदरवाइज यू विल बी कमोडिटाइज्ड। एयरलाइन इंडस्ट्री ब्लीड करती रही, पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाए, क्योंकि अब साथ बैठा हुआ 20,000 भर के जा रहा है, 2,500 भर के जा रहा है, होता है ऐसा। डायनेमिक प्राइसिंग, सेल्फ प्राइसिंग ऊपर नीचे। होटल्स, आज होटल का प्राइस लो 5,000, 3 दिन बाद वही 20,000 में रूम। यू हैव टू वर्क एवरीथिंग डिफरेंटली, व्हाट एवर यू डू इन लाइफ, एंड गेट योर सेल्फ नेम। जैसे मैंने बोला, डॉक्टर बिंदु खुराना, क्वीन ऑफ नंबर्स, किंग ऑफ OKR, गेट योर सेल्फ लेबल, जो भी सब्जेक्ट में हो, बिकम ए किंग ऑफ दैट। ब्लैकमेल स्ट्रेटेजी,
कंट्रोल योर सप्लाई। एक बंदे ने पहला जिसने लिक्विड सोप बनाया था उसको पता लगा कि कॉलगेट पाल्मोलिव उसकी कॉपी करने वाला है, और दुनिया में कैप बनाने वाला, पंप बनाने वाली एक ही चाइना में कंपनी थी, उसने सारे पंप खरीद लिया। आधे बेटा जितनी उसकी कैपेसिटी थी साल की बुक का भी पैसे दे दिए, ऑर्डर बुक अब किसी को नहीं। यू कैन कंट्रोल योर सप्लाई, या पेटेंट, या आपका डोमेन नेम, तजुर्बा नाम कैसा लगता है सबको? ब्यूटिफुल सिंगल डोमेन नेम, कोई नहीं ले सकता, वी ओन इट। सेम विद व्यापार, सो राइट लोकेशन, पेटेंट, हाउ यू कैन डू इट, एंड देन योर पैशन। जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे, एप्पल को 20 साल लग गए थे जब पहला उनका प्रोडक्ट हिट हुआ, क्योंकि पहले थे बिलियन डॉलर कंपनी, पर बिकेम ए ट्रिलियन डॉलर कंपनी हैपन आफ्टर 2001 के बाद जब आईपॉड आया। तो 10-20 साल अगर पैशन नहीं होगा बीच में छोड़ दोगे, मुश्किलें आएंगी, यू विल रन अवे फ्रॉम द बिजनेस। तो आई एम 65 ईयर ओल्ड, माय क्वेश्चन एवरी डे, व्हाट हैवंट आई लर्नड येट? क्या मैंने स्केल अप नहीं सीखा, ओकेआर नहीं सीखा, कुछ और लाइफ कोचिंग नहीं सीखा? कुछ न कुछ नया रोज सीखना, तो हर रोज जिंदगी में कुछ नया सीखना है। एंड रूटीन, ये देखो इन्होंने किताब, पीटर डकर ने बाकी की 50 की उम्र के बाद ये किताबें लिखी, पिकासो ने भी 50 के बाद ये किया। सो वी हैव द राइट आंसर, सबके पास जवाब, सब ज्ञानी है, जवाब बहुत है, साला सवाल ही नहीं है। तो सही सवाल ढूंढना, सही सवाल मिल गया तो आपको स्केल अप का आंसर मिल जाएगा। और सारी किताबें अगर एक दो घर से एक किताब पढ़ लो जिंदगी का, नेवर ईट अलोन, कीज फरादी की, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कॉफी अकेले मत करना, किसी ना किसी के साथ करना, वहां जो बॉन्डिंग होगी। अपने एक कस्टमर के साथ बॉन्डिंग की थी ऐसे ही, सब कस्टमर को सीखने के बाद एक न्यू कस्टमर ने बताया था, सुरेश ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर, तो हमेशा हम प्रैक्टिस आज भी कोई करते सर, आप आते हो हमेशा के लिए, इनवाइट एवरीवन के भाई खाना खाते हैं दिन को रात को। 15 करोड़ का सिंगल डे में ऑर्डर लिखा था एक बहुत बड़े कस्टमर से 1990। ऑफकोर्स योर गुड्स एंड सर्विस हैव टू बी टॉप। सो लिस्टिंग की बात करें, आईपीओ में वैल्यूएशन यहीं से ड्राइव होती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज कंपनी, नॉट ओनली द प्रॉफिट। सो दिस इज द प्लेस यू गो, दिस इज अवर टाइप, पराग भाई, अजय ठाकुर, तजुर्बा एज ए टाइप, टू गिव प्रॉमिस टू गिव 100 आईपीओस, एंड दीज आर सम सक्सेस स्टोरीज। 37 रुपए का शेयर प्राइस, 666% विद इन 1 ईयर। This is another company, EKI Energy, 100 crore का IPO, 5000 crore एक साल में। This is the place you all have to be. If you want to really scale up and be a unicorn or a 1000 crore plus company, you got to list, and आज SME exchange list कर सकता है। So more money, more delegation, more fun in life if you want to have, you got to scale up. So connect with me, Instagram, जो Instagram पे connect करें, सुरेश मंशरामानी, दुनिया में एक ही है, कितना भी मुश्किल आए लोगों को बोलने में। LinkedIn, कहीं भी जाओ, Facebook जाओ, and this is my number 9811933111. Just send me a WhatsApp message, I'm going to give you a gift today. 18th को मेरा एक 4 घंटे का वेबिनार है फॉर यू, इट्स अ पेड वेबिनार, बट फॉर यू गाइज जो मेरे को मैसेज भेजेंगे, I'll send a complimentary link. Attend that 18th 10 to 2 p.m. You will learn lot of other things. This is a gift from my side. So this is called Business Growth Masterclass, complimentary for all Vyapar Jagat people. 18 January, 10 a.m. to 2 p.m. That's my number. Save it. Connect with me. कुछ तजुर्बा दे जाऊंगा आपको जिंदगी में, कुछ सीख जाओगे। बहुत सारे हमारे ऐप पे फ्री कोर्सेज हैं दोस्त, इसीलिए 1 करोड़ लोगों को हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। Lot of free courses, lot of free content I put on my app, Tajurba app. Connect with me, send me a message, attend my webinars and learn. All right, so thank you very much. God bless you. Jordan Thalia. Thank you. Thank you so much.